हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल होम मेड रेसिपी ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे कर्नाटक की ब्रेकफास्ट रेसिपी सुशला एंड सुशीला। तो इसे हम पफ्ड राइस पोहा भी कह सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 150 ग्राम पफ्ड राइस, ये फुलियाँ जिसे कहते हैं, मुरमुरा कहते हैं जिसे। तो इसे हम वॉश कर लेंगे, इसे हमें भिगाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बस वॉश करना है एक बार के पानी से और इसका सारा पानी हम ड्रेन कर देंगे। और अब इसे हम कर देंगे साइड में, बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम, तो अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून ऑयल और इसे कर लेंगे हम गर्म। तो इसे हम पूरी तरह से स्प्रेड कर लें अच्छी तरह से इसमें। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी मूँगफलियाँ, सिंग दाना जिसे कहते हैं। तो ये कच्ची मूंगफलियाँ हैं, यहाँ पर 2 टेबल स्पून जितनी मैंने मूंगफलियाँ ली हैं, वज़न में मुझे नहीं पता कि ये कितनी है। तो अब इसे हम सौते कर लेंगे थोड़ा सा एक मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जितना ही यहाँ पर दाल ऐड कर रही हूँ मैं। ये भुनी दाल है जिसे दलिया भी कहते हैं, चना दाल है, और इसे भी सौते कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1 टी स्पून राई, 1 टी स्पून ज़ीरा, और इसे भी सौते कर लेंगे हम। ज़ीरा और राई अच्छी तरह से चटक जाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बारीक कट करके ऐड किया है। और इसी के साथ 4 से 5 हम यहाँ पर कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है कड़ी पत्ता का। तो इसे भी सौते कर लेंगे हम, प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने देंगे। तो यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है, तो इसमें हम हरी मिर्च ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च मैंने बारीक कट करके नहीं ऐड की है, मोटा मोटा कट किया है क्योंकि मैं बच्चों के लिए भी बना रही हूँ। और एक मीडियम साइज़ का टमाटर है जिसके बीज निकाल कर मैंने इसे कट किया है। तो अब हमें टमाटर को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है इसमें, बस इसी तरह से इसमें कच्चापन थोड़ा सा रहे ऐसा रहने देना है। तो यहाँ पर मैं अब मसाले ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ 1 टीस्पून ऐड किया है हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून शुगर ऐड कर देंगे, तो इसे भी हम मसालों में ही ऐड कर देंगे। और नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, इसे सॉटे कर लेंगे, इससे शुगर भी मेल्ट हो जाएगी, जो टमाटर का मॉइस्चर है उसके साथ में इसे मेल्ट होने में आसानी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हमने जो भिगो कर धोकर रखे हुए पफ्ड राइस हैं उन्हें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मुरमुरा ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अब हम सभी मसालों में अच्छी तरह से। तो इसे लेई भी कहते हैं, मुरमुरा भी कहते हैं, हमारे यहाँ इसे फुलियाँ कहते हैं, चावल की फुलियाँ। तो इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और गैस की फ्लेम को लो कर करके इसे 1 मिनट के लिए हम इसी तरह से पकने देंगे। तो 1 मिनट बाद ये अच्छी तरह से पक चुका है और इसका कलर भी बहुत बढ़िया सा नज़र आने लगा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे धोकर बारीक कट किया हुआ हरा धनिया और इसे मिक्स कर देंगे हम अच्छी तरह से। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे आधा नींबू का रस। तो यहाँ पर बड़े साइज़ का नींबू है इसलिए मैं आधा ले रही हूँ, अगर छोटा हो तो आप एक ले सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। तो बस यहाँ पर हमारा पफ्ड राइस पोहा बनकर तैयार है। तो अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट, गर्मा गर्मी इसे सर्व करेंगे। तो इसे मैंने हरा धनिया और नींबू से थोड़ा सा गार्निश कर दिया है। तो आप इसमें सेव भी डाल सकते हैं, नमकीन अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसे आप डिश आउट कर लें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड प्लीज़ 2 कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।